हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इन क्लास सेकंड्स यू ऑलमोस्ट वेलकम्स इन आवर एसेंट एकेडमी स्कूल। पिछली क्लास में आपको जयश्री मैम ने ये पढ़ाया था चैप्टर 11 द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जिसमें क्वेश्चन आंसर शायद करवाए नहीं थे, तो अपन एक बार इसका फिर से रिविजन कर लेते हैं कि है क्या। ठीक है ना, किंग ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगल का राजा, जैसे आप सबको पता होता है। और किंग ऑफ फॉरेस्ट कौन होता है स्टूडेंट्स? यू ऑल नो दैट हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी लॉयन, जंगल का। जैसे फलों का राजा आम होता है, वैसे ही फ्रूट्स ऑफ किंग आम, वैसे ही मैंगो, वैसे ही आपके किंग ऑफ द फॉरेस्ट हो गया लॉयन। चलो स्टोरी में क्या है। द स्टोरी इज अबाउट ऑफ क्यूनिंग फॉक्स हु बिफूल्ड द लॉयन टू सेव इटसेल्फ। इसमें एक लोमड़ी की कहानी है, जो मतलब छत्तूर कहते हैं ना लोमड़ी, वो है ना सेव को मूर्ख बना दे। द स्टोरी टेल अस नॉट बी अफ्रेड इफ वी आर एनी प्रॉब्लम, रेदर यूज माइंड टू गेट आउट इट। यानी आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, स्टोरी ये कहती है कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, तो आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए, अपना दिमाग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसका सामना करना चाहिए। चलो, वंस अपॉन अ टाइम अ लॉयन एंटर्ड इनटू अ डेंस फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। एक समय की बात है, एक शेर है जो जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था। एंटर किया ही सॉ फॉक्स, उसने एक लोमड़ी देखी, पॉन्च्ड अपॉन द किलिंग, और उसको मारने के लिए दौड़ा। शेर का तो काम भी यही होता है, वैसे पढ़ा है मैं तो, एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। व्हेन द फॉक्स सॉ द लॉयन, जैसे ही लॉयन ने फॉक्स को देखा, ही सॉरी फॉक्स ने लॉयन को देखा, ही सैड, उसने कहा यू कांट किल मी बिकॉज आई एम द किंग ऑफ फॉरेस्ट। उसने बोला तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं जंगल की राजा हूं। देयर फॉर लेट मी गो, मुझे जाने दो, इसलिए मुझे जाने दो। द लॉइन वॉज हाईली सरप्राइज एंड थॉट देयर द फॉक्स वॉज टू स्मॉल। लॉइन एकदम सरप्राइज हो गया, यार मैं इतना बड़ा हूं, मैं राजा हूं, ये राजा कैसे? ही कैन नेवर लुक लाइक अ किंग, बट द फॉक्स डिड नॉट शो एनी फियर। और लोमड़ी के चेहरे यानी फेस पे कोई डर नहीं था। शेर कंफ्यूज हो गया, यार ये क्या, राजा तो मैं हूं, ये नई राजा कहां से आ गई? एन आइडिया फ्लैश्ड इनटू द फॉक्स माइंड। उस समय मतलब कुछ ना कुछ फॉक्स के माइंड में चल रहा था, ठीक है ना। ही अगेन सर, उसने दोबारा कहा इफ यू डोंट बिलीव मी, अगर तुम मुझसे भरोसा नहीं, यू कैन फॉलो मी, तुम मुझे फॉलो करो, अगर तुम भरोसा नहीं है कि मैं जंगल का राजा हूं तो तुम फॉलो करो। उसने कहा कि भाई ये कोई और शेर है जो ये कह रहा है कि मैं जंगल का राजा हूं, तुम कह रहे हो तुम हो, तो आखिर राजा कौन है? तो द मोमेंट द एनिमल सी मी दे विल गे अफ्रेड टू मी। सब लोग डरने लगे क्योंकि शेर से तो सब डरते हैं। दे विल रन अवे हियर एंड देयर फास्ट एट, देखें सभी इधर उधर दौड़ने लगे। फिर देखो द लॉइन एग्रीड, लॉइन सहमत हो गया, बट ही सेड यू विल वॉक इन फ्रंट ऑफ मी एंड नेवर ट्राई टू स्केप, तुम मेरे आगे आगे चलोगी, मुझे मुझसे पीछा छुटाने या भागने का प्रयास नहीं करोगी। देन द फॉक्स स्टार्टेड वॉकिंग इन द फ्रंट ऑफ द लॉइन। ऐसे ही फॉक्स ने बड़े निडरता से फियरलेस होकर लॉइन के आगे चलना स्टार्ट कर दिया। ही अपियर्ड लाइक अ किंग, जैसे वो एक शेर जैसी प्रतीत हो। द लॉइन वॉज हाईली रेडी टू पॉन्स अपॉन द फॉक्स मोमेंट ही ट्राई टू स्केप। वेन अदर एनिमल्स टू फॉरेस्ट शो द लॉइन कमिंग, दे रेन अवे हियर एंड देयर एज अ फास्ट दे कुड। लेकिन बाकी वाले सब जंगली जानवर इतने लोमड़ी की तरह चालाक या चतुर दिमाग वाले नहीं थे, वो बेचारे इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाकर। लुक द फॉक्स सेड प्राउडली, लेकिन फॉक्स ने बड़े प्राउडली कहा ऑल द एनिमल्स आर बैडली फ्राइटन टू मी, एम आई नॉट किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट। द कैम सब इसलिए भाग रहे क्योंकि अगर ऐसा होता कि मैं जंगल की राजा नहीं, सब भागते नहीं। द लॉइन साउट एक्सक्यूज एंड एक्सपेक्ट दैट द फॉक्स वॉज द रियल किंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेंट एनी अवे विदाउट हंटिंग। यानी इसमें फिर देखो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, नेवर बी अफ्रेड एनी थिंग इफ यू आर इन अ प्रॉब्लम बट यूज योर माइंड। इसमें थोड़ा सा चेंज है, ऐसा है कि, लेकिन इसमें एक कहानी एक और भी है कि भाई जो कुआ होता है ना, कुआ, लोमड़ी उसको शेर को कुएं में ले जाती है, कुएं में ले जाके शेर को दिखाती है, शेर कोई और होता है, लोमड़ी कहती है तुम जंगल के राजा, वो दिखाती है ऐसे कर, वो तो खरगोश वाली कहानी थी लोमड़ी के। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग इफ यू आर इन प्रॉब्लम बट यूज इन योर माइंड गेट रिड ऑफ। यानी हमेशा आपको सावधानी बरतोगे आप, सीधी बात है, यानी आप जब भी दिमाग का इस्तेमाल करोगे ना, माइंड का, तो कोई भी परेशानी से आप आसानी से सामना कर सकते हो। इसलिए हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आए बिना किसी डर के उसको फेस करना चाहिए और बिना कोई डरे। आज का चैप्टर बस यही समाप्त होता है। वैसे ही पहले आज मैं क्वेश्चन आंसर कराने के लिए मैंने एक बार उसको वापस रिपीट कर दिया था। जय हिंद, थैंक यू, राधे राधे।